हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ये किशमिश के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये काली किशमिश है और ये पीली किशमिश है। किशमिश कई प्रकार की होती है, और लेकिन मैं ये इनके बारे में आपको बताऊँगी। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए इंतज़ार करें। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आपको बेल बटन दबाना है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये काला काली किशमिश है ये, और ये हमारी पीली किशमिश है। ये कई तरह की होती है पीली किशमिश भी। ये लंबी होती है, कोई कोई छोटी भी होती है, अलग अलग क्वालिटी में आती है ये। और ये हमारी अच्छी क्वालिटी की पीली किशमिश है, और ये मीठी भी है। पीले अंगूर जो लंबे वाले आते हैं ये उससे बनी है। और ये भी कई तरह की होती है, जैसे एक ब्राउन कलर में आती है, एक छोटी छोटी आती है। ये कई तरह की होती है, ये हमारी अच्छी क्वालिटी की है। और इसको खाने से आपके पेट में, जैसे व्रत वगैरह में इसको खाया जाता है, तो दूध के साथ इसको खाते हैं तो ये पेट को सही रखती है। और ज़्यादातर ड्राई फ्रूट जो भी खाए जाते हैं उनके साथ में हमें किशमिश खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं और किशमिश के साथ खाने पर इस किशमिश की तासीर ठंडी होती है, तो इसको ड्राई फ्रूट के साथ खाया जाता है। तो जब भी आप इसको ड्राई फ्रूट के साथ खाएंगे, ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इन सबके साथ में आपको किशमिश खानी चाहिए थोड़ी सी। चाहे भले ही थोड़ी सी खाइए पर किशमिश ज़रूर खाइए, तो आपको वो गर्म नहीं करेंगे ये ड्राई फ्रूट। और बादाम को तो भिगा कर ही खाना चाहिए, और किशमिश को भी ओवरनाइट आप यदि भिगा देते हैं इसको, और सुबह उसका पानी हटा के उसको किशमिश को खा लें और वो पानी पी लें, तो वो आपके गैस की समस्या को दूर करता है। ये आपकी काली किशमिश है। तो ये किशमिश इसका क्या यूज है? वैसे ये काले अंगूर से बनती है। ये वाली आपकी हरे अंगूर जो हल्के पीले होते हैं उनसे बनती है। ये वाली किशमिश जो काली वाली है ये काले अंगूर से बनती है, और इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इसको भिगा के ही ज़्यादातर खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके आपको थोड़ा नुकसान भी कर सकती है। ये हर किसी को सूट नहीं करती, और ये वाली किशमिश कोई भी खा सकता है, किसी भी उम्र का इंसान खा सकता है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इस किशमिश को आप ड्राई फ्रूट के साथ खा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट हो, जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है, इन सब ड्राई फ्रूट के साथ आप इसको खा सकते हैं। और इसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट हैं, मतलब इनको कब नहीं खाना चाहिए? जैसे किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है या फिर किसी के पेट ख़राब रहता है, तो आपको ये किशमिश नहीं खानी चाहिए, तो उसको ये अवॉइड करनी चाहिए। और जिनको जिनका पेट साफ़ नहीं होता है उनके लिए ये किशमिश वरदान का रूप है। तो आप ओवरनाइट पानी में भिगा के रखिए इसको, और भिगाने के बाद सुबह पहली किशमिश खा लीजिए, फिर ऊपर से पानी पी लीजिए, तो ये आपका पेट को ठंडक देती है और बहुत फ़ायदा करती है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक किशमिश आती है ब्राउन कलर की, इससे ये जैसे ये पीली किशमिश है इसे थोड़ा सा डार्क कलर आता है, वो काफ़ी अच्छी अच्छी होती है। उसका टेस्ट काफ़ी मीठा होता है, जैसे ये थोड़ी सी खट्टी मीठी होगी, और वो जो ब्राउन कलर की होगी हल्की सी इससे डार्क कलर की, तो उसका स्वाद थोड़ा सा मीठा होगा, तो वो खाने में मीठी लगती है। और जिनको जो गुटखा वगैरह खाते हैं या फिर जिनके दांतों में सेंसिटिव की प्रॉब्लम है, तो वो इसको नहीं खा सकते हैं, तो आप इसको भिगा के सेवन कर सकते हैं। भिगा करके इसका थोड़ा सा मीठा खट्टापन कम हो जाता है, तो वो आसानी से पक जाए, मतलब आप खा पाओगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।